खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां इंजीनियरिंग के छात्र का संदिग्ध हालत में शव मिला है। आपको बता दें प्राइवेट कॉलेज में ये छात्र निशंक ठाकुर पढ़ता था, माफ कीजिए निशंक राठौर इसका नाम बताया जा रहा है। रायसेन के बरखेड़ा में रेलवे ट्रक पर इसका, रेलवे ट्रैक पर इसका जो शव है वो मिला है। सोशल मीडिया पर कुछ संवेदनशील पोस्ट भी युवक के सोशल अकाउंट पर देखी गई है। आईजी समेत पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। तो इंजीनियरिंग के छात्र का संदिग्ध हालत में शव मिला है। प्राइवेट कॉलेज में ये छात्र पढ़ता था, निशंक राठौर नाम बताया जा रहा है। रायसेन के बरखेड़ा में रेलवे ट्रैक पर इसका शव मिला है। युवक के सोशल मीडिया पर जो अकाउंट है उस पर संवेदनशील पोस्ट है। संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए। क्या कुछ मामला है रिजवान, इंजीनियरिंग का ये स्टूडेंट लेकिन संदिग्ध अवस्था में इसका शव मिलता है और संवेदनशील पोस्ट इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखी गई है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? देखिए बीटेक का ये स्टूडेंट है और जो है टीकनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रायसेन ने जीरो पे कायमी करके टीकनगर पुलिस को इसमें जांच सौंपी है। बता दें कि रेलवे ट्रैक रायसेन बरखेड़ी में इसका जो है शव मिला था और एक शव मिलने के बाद कुछ ही घंटे बाद जो है एक सोशल मीडिया पे इसी की आईडी पे पोस्ट किया गया था और वो संवेदनशील पोस्ट जो है पुलिस ने जो है लिया है और उसकी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि कौन लोग, पुलिस जो है आत्महत्या और हत्या का जो है पता लगा रही है, कौन लोग हैं जिन्होंने स्क्रीन शॉट भेजा है और क्या इस युवक से लेंगे। हालांकि पैसे की लेन देन की बात और कुछ विवादित पोस्ट को लेकर बात सामने आ रही है। पुलिस हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। रायसेन पुलिस ने टीकनगर पुलिस से जीरो कायमी करके इस मामले की जांच सौंपी है। फिलहाल अभी पुलिस अधिकारी में उनका कहना है इस मामले में कुछ भी सही तरीके स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे मामले की जाँच की जाएगी, जैसे तथ्य आएंगे वैसे इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी देने के लिए। तो इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से ये डिटेल सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से जांचा जा रहा है। आईजी समेत पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे हैं। मौत के कारणों की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की जा रही है।